नमस्कार किसान भाइयों, मेरी पिछली वीडियो में हमने नर्सरी का जो मैनेजमेंट था वो देख लिया। आज के इस वीडियो में हम नर्सरी में जो पौधे हैं उनका डेवलपमेंट और उनके रूट्स का डेवलपमेंट और साथ ही हमारे खेत में जो बेसल डोज लेने वाले वो देखेंगे। अगर रूट्स की डेवलपमेंट की अगर बात करें तो ये जो पहला ट्रे है उसमें हम रूट्स का जो डेवलपमेंट देखते हैं। रूट्स ट्रे के बाहर निकलना स्टार्ट हो चुके हैं। और जो दूसरा जो ट्रे है उसमें हम रूट्स को साफ देख सकते हैं। नीचे की ओर भी आप साफ साफ देख सकते हैं। इस साइड जो है वो 102 कप के ट्रे है, उनका भी जर्मिनेशन बहुत अच्छा हो चुका है। अगर हम 70 कप के पौधे की बात करें तो राइट साइड वाली जो है वो हमने 27 जनवरी के टाइम पे ट्रे में लगाया था और जो लेफ्ट साइड वाले हैं उनको हमने 28 जनवरी को लगाया था। अब हम बस इन ट्रे की जगह थोड़ी सी चेंज करने वाले, आज के दिन तो ये पॉसिबल नहीं है लेकिन हम इसको कल के दिन करने वाले हैं। अब अगर हम इन पौधों की बात करें तो 90% से भी ऊपर जर्मिनेशन हो चुका है और साथ ही डिलीवरी के टाइम हमें बहुत ही कम पौधों की सॉर्टिंग करनी पड़ेगी। अभी तो मैं सिर्फ आपको इनकी ग्रोथ और कलर जो है वो दिखा रहा हूँ और साथ ही हम 1 से 2 दिन के बाद इसकी हार्डनिंग भी स्टार्ट करने वाले हैं। अगर खेत के कामों की बात करें तो बेड प्रिपरेशन का काम कंप्लीट हो चुका है और साथ ही बेसल डोज जो है वो भी हमने खेत के अंदर डाला है और ड्रिप के पाइप को अच्छी तरीके से एसिड से धो के 20 मिनट के लिए पहले एंड कैप को ओपन करके भी धो लिया है। साथ ही ड्रिप के पाइप को ठीक तरीके से चेक कर लिया है। साथ में हमने जितना भी वाटर वेस्टेज मटेरियल था उसको, जिससे मल्चिंग पेपर फट सकता है, आज के दिन थोड़ा और कल के दिन थोड़ा खेत के बाहर निकलने वाले हैं। अब आता हूं मैं अपने मेन टॉपिक पे। बेसल डोज में हमने एनपीके के लिए 18:46 यानी डीएपी के 2 बैग और पोटेश के लिए हमने एमओपी के 1 बैग का इस्तेमाल किया है और साथ ही एक्स्ट्रा एनपीके के लिए हमने यारा कॉम्प्लेक्स के 2 बैग का इस्तेमाल किया है। उसके बाद हमने आईसीएल के पॉलीसल्फेट को हमने 25 केजी के 2 बैग लिए हैं। अगर पॉलीसल्फेट की बात करें तो इसके अंदर कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम और सल्फर की मात्रा है और इन सब की टमाटर में बहुत ज्यादा जरूरत होती है और गर्मी के सीजन में हमें ज्यादातर फोकस पोटेशियम और कैल्शियम के लेवल को मेंटेन करने की पूरी कोशिश करनी है।
वो जो है वो मैं आपको आगे आने वाली वीडियो में बताता हूँ। और ऑर्गेनिक की बात करें तो एग्रीसर्च इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के एम्पल जी को हमने 18 केजी का इस्तेमाल किया है। इसमें एमिनो एसिड प्लस ह्यूमिक एसिड बेस सॉइल कंडीशनर है और साथ ही माइक्रोराइजा के लिए हमने एग्रीसर्च का ही 4 केजी जो है वो रूटांजा का इस्तेमाल हमने खेत के अंदर किया है। और साथ ही लास्ट में 50 केजी हमने निम्बोली पेंट का भी इस्तेमाल किया है। पहले तो इस बेसल डोज को ऊपर की तरफ डाला और साथ ही रोटावेटर की मदद से हमने इसके सॉइल के साथ अच्छी तरीके से मिक्स किया और बाद में ही हमने ड्रिप की पाइप बिछा के उसको चेक किया। आज के तारीख तक हमारा खेत में इतना काम कंप्लीट हो चुका है। और हाँ, मल्चिंग पेपर बिछाने की जो ट्रैक्टर है वो कल आने वाला है, वो भी वीडियो जो है वो इसी वीडियो में कवर करूंगा। बस हमसे एक गलती है, मल्चिंग पेपर बिछाते वक्त हो गई थी, जो पानी जो था एंड कैप का उसके वजह से, मतलब प्रॉपर जो एकदम लास्ट की तौर जो छोर रहता है वहाँ पे थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा था मल्चिंग पेपर को बिछाते वक्त। और हमने साथ ही इसमें जो मल्चिंग पेपर का इस्तेमाल किया है वो वाइट जो है पेपर उसका हमने इस्तेमाल किया है। और ये जो मशीन, मतलब ये काम हम 2 से 3 दिन के बाद करने वाले थे, लेकिन ये जो मशीन जो थी वो, मतलब ट्रैक्टर जो था वो 2 से 3 दिन के बाद हमें अवेलेबल नहीं हो पाता, इसी के वजह से हमने इसको पहले ही बुला के हमने ये काम जल्दी पूरा कंप्लीट कर दिया। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करना और चैनल पे आप नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट करके जरूर रखना। जैसे ही ये काम कंप्लीट होगा वैसे ही हम नर्सरी में जाने वाले हैं और जो ट्रेज है उनकी जगह हम थोड़ी सी चेंज करने का काम आज ही कंप्लीट करने वाले हैं। और 2 से 3 दिन तक हम इस मल्चिंग पेपर में होल जो है वो नहीं करने वाले हैं। जिस दिन प्लांटेशन होगा उस दिन या तो फिर एक दिन पहले हम मल्चिंग पेपर के अंदर होल करने वाले हैं। इस वीडियो में अब तक इतना ही, मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में।